सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल बटन स्मैशर बाय अली। सो फ्रेंड्स वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग में देखा कि हम लोग स्टे कर रहे हैं रेडिसन ब्लू होटल में और एंड इसका आप लोगों ने टूर भी देख लिया था। सो आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग में देखा था एंडिंग में कि हमारा ब्रेकफास्ट अभी हो चुका है। सो अभी हम लोग रेडी है निकलने के लिए। आज हम जा रहे हैं फ्रेंड्स हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना ट्रैफिक है। सो फ्रेंड्स ये जो आप लोग लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो तो ये है सालार जंग म्यूज़ियम। सो इस म्यूज़ियम को हम लोगों ने बहुत बार एक्सप्लोर किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है। एंड वैसे तो हम लोगों ने सारे जो स्पॉट है हैदराबाद के जैसे नेहरू जूलॉजिकल पार्क, रामोजी, सब भी एक्सप्लोर किया हुआ है। बट हम लोग नेहरू जूलॉजिकल पार्क इसलिए जा रहे हैं बिकॉज़ वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा फ़न कर सकते हैं, मीन्स बहुत मज़ा भी आता है। सो चलिए चलते हैं। एंड आप लोग भी इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे एंड शेयर भी कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब का एक छोटा सा ही तो बटन होता है, उसे भी प्रेस कर दीजिए। एंड ये भी देख सकते हो आप लोग, ये पिस्ता हाउस का ब्रांच जो है वो सिर्फ बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ से बर्गर पिज़्ज़ा लिया था। एंड फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क। आप लोग देख सकते हो फ्रंट गेट, एंट्री गेट लेफ्ट साइड। सो आप लोग देख सकते हो अभी राइट साइड में है पार्किंग एरिया। सो अभी डैडी जा रहे हैं कार पार्क करने के लिए, हम लोग यहाँ पर ही वेट कर रहे थे। एंड लेफ्ट साइड में है टिकट काउंटर। सो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर किंडरगार्टन किड्स की जो है ट्रिप आई है। सो मम्मा ने ये कैप्चर किया था बिकॉज मम्मा को ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सब कुछ मेरे बैकग्राउंड में। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं, डैडी अभी गए हुए हैं टिकट काउंटर पे एंड अभी आ चुके हैं डैडी। सो अभी हम जा रहे हैं, वहाँ पर एंट्री गेट है, चलिए चलते हैं। एंड ये रहे हम लोगों के टिकट्स। सो चलिए एंटर करते हैं अब। नेहरू जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड नियर मीर आलम टैंक इन हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। एंड ये स्टार्ट हुआ है 26 अक्टूबर 1959 से एंड इसे स्टार्ट हुए हो चुके हैं 63 ईयर्स। ये जू काफ़ी ज़्यादा बड़ा है सो हम लोग इसे बाय वॉक एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। इसे पूरा एक्सप्लोर करने के लिए हमें बैटरी व्हीकल या मिनी ट्रेन लेनी होती है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जब भी आते हैं तो हम लोग बैटरी व्हीकल ही लेते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स अभी चलते हैं टिकट काउंटर के पास बैटरी व्हीकल के। सो डैडी टिकट ले लेंगे एंड तब तक हम लोग वेट करते हैं क्यू में। सो इसी तरह हमें 4 to 5 times बैटरी व्हीकल में बैठना होता है, देन बैटरी व्हीकल हमें ड्रॉप एंड पिक करती रहती है अपने अलग अलग स्पॉट्स पे। ये रहे बैटरी व्हीकल के टिकट्स। सो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं फन फन फन। एंड अभी मुझे अंकल के बाजू की सीट मिल चुकी है सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो राइड गोज ऑन। फ्रेंड्स इस जू में आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए बिकॉज हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा फन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ट्रेन राइड, बैटरी व्हीकल राइड एंड सफारी, एनिमल सफारी, ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड बहुत कुछ आप लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बोटिंग भी है। सो यहाँ से आप लोग जू को एक्सप्लोर कीजिए एंड इन्जॉय कीजिए मेरे साथ।
नेहरू जूलॉजिकल पार्क के बारे में मैं आप लोगों को शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। नेहरू जूलॉजिकल पार्क इज़ ऑल्सो नोन एज यूट्यूब जू और जू पार्क, आई थिंक सो। यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, तो इसलिए इसे यूट्यूब के नाम जाना जाता है। फ्रेंड्स, 380 एकर्स इसका लैंड एरिया है, मीन्स ये 380 एकर्स में बना हुआ है। मीन्स फ्रेंड्स, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बड़ा है, तो इसे बाय वॉक पूरा एक्सप्लोर करना तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आप लोग मिनी ट्रेन ले या फिर बैटरी व्हीकल ले, एंड फुल डे तो यहाँ पर स्पेंड हो ही जाता है। अंकल अभी हमें यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, एंड देन बाय वॉक हमें यहाँ पर 4 to 5 स्पॉट्स एक्सप्लोर करने हैं। सो आप लोग अभी देख सकते हो वाइट टाइगर एंड टाइग्रेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, बट वीडियो में उतने बड़े नहीं नज़र आ रहे हैं। एंड ये जैगुआर है, ये 8 to 9 ईयर्स का है। एंड अब आते हमारे शेर खान। ये हाइना देखिए जो बोर होकर चला गया बेचारा। एंड हियर कम्स द किंग ऑफ द जंगल। Thank you.
यहाँ पर बहुत सारे फिशेस है। फ्रेंड्स इस ट्री को देखिए, ये ट्री मेडिसिनल ट्री है एंड इसी तरह इस जू में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स ट्रीज है। दिल को दिल लगी न लगे, बाबा क्यों से तबाह हो गया।
फर्स्ट गेट है जंगल सफारी में एंटर होने का, एंड नॉन एसी एंड एसी बसेस भी होते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स, इस बस में हम लोग जाने वाले हैं जंगल सफारी, एंड मम्मा डैडी अभी टिकट काउंटर पर वेट कर रहे हैं एंड हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। वैसे जंगल सफारी का फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर आके इंजॉय कीजिए, बहुत फन होता है। सो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जंगल सफारी राइड, जो कि मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, जंगल सफारी में इसकी गारंटी नहीं है कि हमें सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो दिखेंगे। वैसे हम लोग को यहाँ पर लॉयन एंड पिकॉक्स वगैरह यहाँ पर बहुत सारे थे, तो वो हम लकीली हम लोगों को दिखाई दिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बाहुबली मूवी में बुल वाला सीन तो देखा ही होगा। सो ये वही बुल्स है, बट वो तो सेट था, बट ये रियल है। अंदर फ्रेंड्स जंगल सफारी के 4 to 5 गेट्स होते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, नेहरू जूलॉजिकल पार्क तो पूरा एक्सप्लोर कर लिया। हमें अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी यहाँ पर, बिकॉज़ हम लोगों ने लंच थोड़ा से यहाँ पर लाइट लंच लिया था। सो अभी हम लोगों को रास्ते में पैराडाइज दिखी, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं अभी, तो चलिए डिनर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा ये ब्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने क्या एक्सप्लोर किया, हम कहाँ गए, तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून।
फ्रेंड्स स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो उनसे मैं स्पेशली यही कहूँगा कि आप लोग पैराडाइज एंड पिस्ता हाउस में फूड ट्राई करें, बिकॉज इनका टेस्ट बेस्ट होता है। एंड जो मेन ब्रांच है सिकंदराबाद में पैराडाइज का, वहाँ का भी आप लोगों को करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ का टेस्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। आपका नाम? मेरा नाम रत्नेश कुमार है, मैं इधर 2018 में आया और ये ब्रांच ओपन हो गए 7 ईयर्स हो गया। और अपना पूरा हैदराबाद में 64 ब्रांच है, ऑल ओवर इंडिया में 101 ब्रांच हो गया ओपन। और अपना टारगेट मिशन है 2027 तक 500 ओपन करना है रेस्टोरेंट। और अपना अपना जो बिरयानी का है, हम लोग बिरयानी बेचते हैं, और अपना मेन मोटिव है बिरयानी का, बिरयानी एंड कबाब, अपना दम बिरयानी रहता। और क्या स्पेशल है अपने पास? बिरयानी स्पेशल रहता, बर्थडे बिरयानी, न्यू बिरयानी लॉन्च होता है हमेशा, 3 मंथ में न्यू बिरयानी लॉन्च होता। अभी अपने पास 6 वराइटीज़ का बिरयानी है, चिकन बिरयानी रहता, चिकन फ्राइड बिरयानी रहता, और अपने पास न्यू बिरयानी है, दक्षिणी कबाब, दक्षिणी बिरयानी है। और ये एड्रेस बता दो, ये एड्रेस है यहाँ, ये ब्रांच कोतापेट विक्टोरिया में, नियर बाय विक्टोरिया में मेट्रो स्टेशन है, कोतापेट में है अपना मेन ब्रांच, सिकंदराबाद में है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू।